फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अल्कलाइन डाइट के फायदे। जिस प्रकार संसार के सभी जीव जंतु प्राकृतिक आहार पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी प्राकृतिक आहार के लिए ही बना है। सभी जीव जंतु प्राकृतिक खाद्य पदार्थ यानी घास फूस पेड़ पौधे कंद मूल फल खाकर सदा ही स्वस्थ रहता है। यदि इंसान भी इसी प्रकार अधिक से अधिक हरी साग सब्जियां फल आदि का सेवन करे तो वह भी सदा ही स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि यही हमारे शरीर का प्राकृतिक स्वभाव भी है। लेकिन मानव का दुर्भाग्य है कि उसने अपनी बुद्धि को गलत दिशा में चला दिया, यानी अपनी गलत खान पान से अपने शरीर का स्वभाव ही बदल दिया। इसी गलत खान पान के कारण ही हमारे शरीर के सभी अंग आज स्वस्थ नहीं है। सर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, किडनी फेलियर, कैंसर आदि, छोटी छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद होना, ब्लड प्रेशर, मोटापा आदि देखने को मिलते हैं। इन सभी समस्याओं का एकमात्र कारण अल्कलाइन डाइट की कमी है। हम अपने बच्चों को स्वयं ही बचपन से ही गलत खान पान की ओर ले जाते हैं, जैसे चिप्स, बर्गर, कोला, पेप्सी, चॉकलेट, कुरकुरे आदि। आज हर एक बच्चे के हाथ में यही चीज़ें देखने को मिलती हैं, और साथ ही घर पर भी सुबह शाम तली भुनी चीज़ें, मैदे से बने पिज़्ज़ा, बर्गर आदि। जबकि इनके स्थान पर बच्चों को ऋतु के अनुसार फल खाने की आदत डालनी चाहिए। कच्ची सब्जियां, खीरे, ककड़ी, टमाटर, शलगम, गाजर, चुकंदर आदि, इनको खाने की आदत होनी चाहिए। साथ ही साथ बचपन में ही इनके फायदों के बारे में इन्हें अवश्य ही बताना चाहिए। जो भोजन वो बाहर से लाकर खा रहे हैं उनके नुकसान भी उन्हें बताने चाहिए। गलत खान पान के कारण ही आज मनुष्य की उम्र भी कम हो गई है। उस छोटी उम्र के समय को वह रो रो कर घसीटता है। इन सभी परेशानियों की जड़ को यदि हम समाप्त कर दें तो समस्या बहुत हद तक अपने आप ही सुलझ जाएगी और हम आजकल की इन गंभीर बीमारियों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं अल्कलाइन फूड कौन कौन से हैं। सभी हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, सरसों का साग, बथुआ, चने का साग, चौलाई, बंद गोभी, ब्रोकली, कद्दू, शिमला मिर्च, खीरा, ककड़ी, टमाटर, बीन्स, लहसुन, प्याज, अदरक, सभी प्रकार के फल, सेब, संतरा, नींबू, केला, आम, खरबूज, तरबूज, कीवी, खुमानी, बेर, आड़ू, अनानास, शहतूत, नाशपाती, सूखे मेवे, बादाम, खजूर, किशमिश, अंजीर, अखरोट, हर्बल चाय, ग्रीन टी, समुद्री नमक आदि। हमें अपने भोजन में 80% अल्कलाइन भोजन और केवल 20% एसिडिक फूड लेना चाहिए। प्रातःकाल क्षारीय पेय बनाकर अवश्य ही पीना चाहिए, जैसे नींबू पानी या फिर पानी में सेब का सिरका मिलाकर पीना चाहिए। कच्ची सब्जियों को पकाने में उनके क्षारीय तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सब्जियों को भाप द्वारा पकाना चाहिए, या फिर जो सब्जी कच्ची खाई जा सके उन्हें वैसे ही सलाद के रूप में अवश्य ही खाना चाहिए। अल्कलाइन भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। हड्डियों के विकास के लिए यह बहुत ही जरूरी है। यह हमें अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर आदि से बचाता है। किडनी रोगों से लड़ने की अल्कलाइन भोजन बहुत ही सहायक है। हमारा वजन नियंत्रण में रहता है, विटामिन का अवशोषण आसानी से होता है और पोटेशियम की कमी दूर होती है। हमारे शरीर का पूरा पाचन तंत्र ठीक होता है। धन्यवाद दोस्तों।